वेलकम गाइस, वीके मोबाइल वर्क में आपका फिर से स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस देखिए, मेरे पास ओप्पो का ये मोबाइल है। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको बनाई थी इसी मोबाइल के ऊपर, वो उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, तो वो जैसे कि हमने सॉल्व करी थी, तो उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ था। मैं बस हमने उसका बैक का उतार करके हमने उसको ऐसे कर दिया, तो सेम थोड़ी इसमें भी वही कंडीशन बैठ हो रही है। तो देखते इसमें क्या सिचुएशन है, क्या सीन बैठता है, तो इसको हम एक बार लगा कर के आपको दिखा देते। तो देखें, मैं अब इसमें डाटा की भी लगा दी है और इसमें कुछ इसमें यानी कि यहाँ पर शो नहीं हो रहा है बिल्कुल। मतलब कि पता नहीं क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्या नहीं। कस्टमर सिर्फ दे के चला गया, उसने कुछ बताया नहीं, कह रहा कि रखा हुआ था और अचानक से ये बंद हो गया, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें देखते हैं जो भी है, तो रखे रखे में इसमें क्या दिक्कत होगी ऐसा। तो इसका हम कवर वगैरह उतार लेते हैं गाइस, और यहाँ से इसको हमें खोलना पड़ेगा। तो इसको हम खोल लेते हैं। ध्यान है, सबसे पहले आपको ये सिम ट्रे निकाल लेनी है। हमेशा ध्यान रखें, सावधानी से काम करें ताकि कस्टमर का भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। तो तब तक हम अपने मोबाइल को खोल दें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल करना ना भूले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। इसमें हर वीडियो में बोलता हूँ, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिएगा गाइस, प्लीज़। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम आपके लिए, इतनी मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं और काफ़ी समय भी लगता है इसमें। आप सभी को अच्छे से इसमें सिखाते हैं, बताते भी हम। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने ये अभी मोबाइल को हम इसको ओपन कर रहे हैं। एक बार हम इसको ऐसे करके देख लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी हम मैं इसमें कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा था, इसलिए देख रहा था मैं इसको ऐसे खोल करके, ताकि इसको हम एक बार पता कर ले कि पीछे से गर्म हो करके उतरेगा या इसको ऐसे उतार लेंगे। लेकिन ये गर्म होगा और फिर पीछे से इसका कवर ओपन होगा। तो गाइस इसको अभी हम गर्म कर लेते हैं, तब तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर हमने ये वीडियो थोड़ी स्किप कर करके हमने इसको गर्म करके उतार लिया। तो यहाँ पर हम इसके पेच ओपन कर लेते हैं गाइस। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी इसी मोबाइल के ऊपर, थोड़ा मॉडल अलग था, ये अलग है, वो अलग था, थोड़ा इसमें वो 3S था, ये 5S करके है। तो गाइस जो भी हमारे चैनल पे नई है, जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब करा है, तो मेरी पिछली वीडियो तो आप बिल्कुल देखेगा, और जिस भाई ने पहले से कर रखा है उन्होंने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी ज़रूर। उसमें काफ़ी आसान से हमने ये सॉल्व कर दी थी, क्योंकि उसमें चार्जिंग का एरर दिखा रहा था और काफ़ी आसान से वो हो चुकी थी। जिस किसी ने भी देखा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करना ना भूले प्लीज़। सभी से कह रहा हूँ मैं, जो जिस जिसने मेरी वो पिछली वाली ओप्पो की मोबाइल की वीडियो देखी थी, वो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर मैंने देखी थी, उसमें ये प्रॉब्लम, जो भी डाउट आप पूछ सकते हैं, किसी भी वीडियो में आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो गाइस देखिए, अभी यहाँ पर हमने मोबाइल अपना ओपन कर लिया, पेच वगैरह सभी स्क्रू यहाँ से हमने निकाल लिए हैं, और देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए, यहाँ पर जो है हमने ये निकाल करके इसको देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कार्बन सा लगा हुआ है, थोड़ी दिक्कत लग रही है। तो एक बार पहले सबसे पहले हम इसको वोल्टेज वगैरह भी चेक करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप मोबाइल खोलते हैं, ऐसी सिचुएशन आपके पास बनती है, तो एक बार आप इसके वोल्टेज वगैरह देखेंगे। लेकिन अभी हम जो मुझे डाउट लग रहा है, वही जो पहली वीडियो हमने प्रोसेस करा था, फिलहाल हम अभी वही करेंगे। जिक वगैरह लगा करके हम इसको चेक करेंगे। हमने जिक वगैरह लगा दिए दोबारा निकाल करके, और देखें यहाँ पर हमारा मोबाइल ऑन भी हो चुका है। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, पहले कुछ नहीं छेड़ना है कि बहुत से मदरबोर्ड में लग जाते हैं, ये करो वो करो मल्टीमीटर से। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, बैटरी की ज़रूर कर लीजिए, और कुछ करो या मत करो, लेकिन बैटरी की वोल्टेज वगैरह आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि हमारी बैटरी कितनी परसेंट चार्ज है। हमारे यहाँ पर ये शायद अच्छी खासी चार्ज है, ताकि हमारा मोबाइल इस वजह से ही ऑन हो चुका है। अगर बिल्कुल डाउन होती तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि ऑन ही नहीं होता अगर हमारा मोबाइल डाउन रहता। तो आपको सिंपली इस तरह से करना है। देखिए मोबाइल हमारा ऑन तो हो चुका है, अभी हम इसमें अभी चार्जिंग भी चेक करेंगे, क्योंकि ये चार्जिंग में भी दिक्कत कर रहा था। तो गाइस अभी हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसके चार्जिंग वगैरह हम लगा लेंगे, वैसे भी सो जाएंगे, बैटन हमें पता नहीं क्या है इसके अंदर। तो एक बार हम चार्जर लगाते हैं और देखते हैं कि चार्जिंग चली है या नहीं। तो गाइस चार्जिंग यहाँ पर चल चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम डेट के नीचे 2% यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे, चार्जिंग चल चुकी है। तो सिंपली हमने कुछ नहीं करा इसमें, सब जो भी है कुछ फ्रॉड नहीं है, सब जेनुअन आपके आगे करा। हमने मोबाइल ओपन करा, ये बैटरी वाली जिक हटाई और कुछ नहीं, बाकी अभी हमने नहीं हटाई थी।
और इसको हम एक बार फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम इसको एक बार बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे थोड़ा इसमें कार्बन वगैरह लग रहा था कि कार्बन है, तो थोड़ा थिनर करके हम ब्रश से उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली इसी वीडियो में ऐसी फ़ोन के ऊपर बनाई थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जिसने नहीं देखी एक बार जा करके ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको क्लीन कर ले, और इसको क्लीन कर करके हम इसको लगा देंगे। सभी जिक कर लीजिए, या इसको करना है इसको कर लीजिए। और गाइस मेरे पास ब्लैक स्क्रीन ऑन की मतलब कि दिक्कत थी, स्क्रीन में कुछ नहीं, सब कुछ चल रहा था, वैसे कॉल वगैरह भी आ रही थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। इस वीडियो को भी जा करके देखेगा, बहुत सी ये सिचुएशन सभी के मोबाइल में आ जाती है, फ़ोन चलता है, कॉल वगैरह सब चीज़ आती है, लेकिन कुछ भी इसमें शो नहीं होता है, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, और काफ़ी अच्छा उस वीडियो में आपका सभी का प्यार भी मिला है, तो जा करके उस वीडियो को देखिएगा। और अभी चलते हैं इस वीडियो की तरफ। देखें यहाँ पर हमने अभी मोबाइल जो है अपना ऑन कर लिया, चार्जिंग वगैरह अगर प्रॉपर चल रही है, अब मोबाइल को हम पैक कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर, अब तब तक हमारा मोबाइल ऑन होता है, इसको हम पैक कर लेंगे। और चार्जिंग वगैरह भी मैंने आपको लगा करके दिखा दी, कुछ नहीं करा, सिर्फ बैटरी करा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके में भी ऐसी दिक्कत आती है तो आपको बैटरी की जिक हटा करके इसको ओपन करके दोबारा लगा देनी है। देखें यहाँ पर हमारा मोबाइल काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ऑन हो चुका है, देखिए बिल्कुल बेहतरीन हमारा मोबाइल यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको एक बार फिर से लगा करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर चार्जिंग चल चुकी है, टाइम डेट के नीचे भी और ऊपर भी। तो कैसी लगे आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये वाली, और इससे पीछे वाली भी देखना, बार बार बोल रहा हूँ। और बिल्कुल भी स्किप करके मत देखे, पूरी देखिएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा वीडियो में, कोई बोरिंग वगैरह नहीं। अगर कोई कुछ भी दिक्कत है मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसी वीडियो आपको लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।